दोस्तों नमस्कार। आज 6 जून 2022 मैं कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस विशेष एपिसोड में बाजार के सितारे क्या कहते हैं, सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, शेयर बाजार में होने वाली हलचल, नॉन एग्रो कमोडिटीज एवं नॉन एग्रो कमोडिटीज में क्या होगी संभावना, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज का राशिफल। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की होती हैं 3 राशियां, 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु, मेष, सिंह और धनु राशि मिश्रित रूप की तरह इशारा कर रही है आज का दिन। विशेष ख्याल रखें, बड़े निर्णय लेने से बचें। 2, 6, 10 ये है पृथ्वी तत्व की राशियाँ यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, बड़े निवेश के लिए एक बार पुनः विचार कर लें। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये है वायु तत्व की राशियाँ, मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशियाँ हैं यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। दिन आपके लिए मुफीद या शानदार रह सकता है, आप अच्छा लाभ कमाने की स्थिति में हो सकते हैं। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर सबसे पहले क्या संभावना बनती है, देखिए आज बहुत तेज़ी से वॉलीटिलिटी रहने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आज जीरा और धनिया मसाला पैक के अंदर शुरुआती दौर के अंदर तेज़ी दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें मुनाफा वसूली भी ऊपरी स्तरों पर कभी आ सकती है, आप सावधान रहें। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें कपास खली के अंदर भी शुरुआती दौर के अंदर तेज़ी बन सकती है, लेकिन समय पे मुनाफा वसूल करना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये था मसाला पैक में जीरा और धनिया में क्या होने की संभावना है, गवार सीड में क्या संभावना है और कपास खली यानी कॉटन सीड ऑयल केक में क्या संभावना बन रही है। अब हम चर्चा करेंगे शेयर बाज़ार में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। शेयर बाज़ार यानी भारतीय स्टॉक मार्केट सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी की संभावनाएं बन सकती हैं। बाज़ार गिरावट के से क्या को देखते हुए शुरुआत हो सकती है और इस गिरावट के अंदर विशेषकर बैंकिंग स्टॉक्स का रोल महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो आज तेज़ी दिखाने की स्थिति में रह सकते हैं। इसके अंदर ऑयल एंड गैस का प्रमुख कंपनी यानी ONGC और रिलायंस शामिल हैं, इसके अंदर तेज़ी की संभावनाएँ बन सकती हैं। साथ साथ यदि आप देखें कि इंश्योरेंस कंपनी की HDFC लाइफ के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा ICICI बैंक और HDFC के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। वॉलीटिलिटी के साथ में इसके अंदर भी मजबूती बन सकती है, लेकिन गिरावट वाले शेयर रह सकते हैं ऑयल एंड गैस के अंदर। BPCL के अंदर गिरावट हो सकती है, सीमेंट स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट हो सकती है, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट गिरावट की ओर अग्रसर हो सकते हैं। पेंट्स के अंदर एशियन पेंट्स गिरावट दिखा सकता है। इसके अतिरिक्त मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर नेस्ले भी कुछ मुनाफा वसूली की जद में आ सकता है। रिलायंस के अंदर उतार चढ़ाव रह सकता है, ये सब गिरावट में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था शेयर बाज़ार में आज क्या संभावना है। अब हम चर्चा करेंगे कमोडिटी बाज़ार के अंदर क्या संभावनाएँ बन सकती हैं। कमोडिटी बाज़ार के अंदर यदि हम बहुत बारीकी से देखें तो बुलियन यानी सोना एवं चांदी पर हम विश्लेषण करेंगे। चांदी पर सबसे पहले 62,500 के स्तर एक अच्छा मूवमेंट है, जो कि सिल्वर ने अच्छी तेज़ी दिखा सकता है, लेकिन 62,500 का जो एक महत्वपूर्ण स्तर है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर कभी भी मुनाफा वसूली की संभावनाएँ ऊपरी स्तर पर आने की संभावनाएँ बन सकती हैं, विशेष ख्याल रखें। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें कि एल्युमिनियम और कॉपर जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे ऊपरी स्तरों के ऊपर, इससे भी बचना चाहिए, फ्रेश बाइंग करने के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। और अभी निचले स्तर के ऊपर आने वाले 1 या 2 दिन में जब मूवमेंट बनेगी हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस यानी भारतीय विश्लेषण पद्धति के अनुसार आज तक पहुँचाई जा रही है। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ें, किसी भी प्रकार का नफा या नुकसान, प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी चैनल और विशेषज्ञ की नहीं होगी, ये महज एजुकेशनल पर्पस के लिए आप तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है। दोस्तों याद रखिएगा, गेहूं के ऊपर हमने विशेष विश्लेषण दिया था जो कि सत्य साबित हुआ। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर भी हमने करेक्शन की बात कही थी जो कि सही साबित होती देखी गई। आप बिल्कुल देखना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।